स्वागत है। ब्रेक के बाद, रूस और यूक्रेन की जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यूक्रेन ने रूस के एयरबेस पर ड्रोन हमला करके दहला दिया, वहीं बदले में पुतिन आर्मी ने यूक्रेन के एक सुपरमार्केट में तबाही मचाई। पुतिन की आंखों में खून, 300 किलोमीटर तक यूक्रेन का हमला। रूस यूक्रेन जंग को तीसरा साल शुरू हो चुका है। 900 दिन से ज्यादा की जंग में ऐसा पहली बार हुआ है कि यूक्रेन ने रूस में घुसकर भीषण जमीनी और हवाई हमले किए। हालात ये हो गए कि राष्ट्रपति पुतिन को अपने टॉप कमांडरों के साथ मीटिंग करनी पड़ी है। पिछले 24 घंटे में जहां यूक्रेन ने रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर रूस के लिपियस्क एयरबेस को पूरी तरह से तबाह कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में 13 किलोमीटर अंदर घुसकर यूक्रेन के कोस्टियान टेनिकुआ में मौजूद सुपरमार्केट को उड़ा दिया है। हम पहले आपको दिखाते हैं कि क्यों पुतिन यूक्रेन के भीषण हवाई हमले से भौचक्के रह गए हैं। जरा इस एनिमेशन को देखिए। पहली बार यूक्रेन ने अपनी हवाई ताकत से रूस को करारा जवाब दिया है। यूक्रेनी सेना के दावों के मुताबिक उसकी ड्रोन और मिसाइल ब्रिगेड ने रूस के लिपियस्क एयरबेस को उड़ा दिया है। यूक्रेन के भीषण ड्रोन और मिसाइल हमलों में लिपियस्क एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूक्रेन के हवाई हमले में रूस के लिपियस्क एयरबेस पर मौजूद दर्जन भर से ज्यादा फाइटर जेट तबाह हो गए हैं, जबकि कई हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त हो चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला 300 किलोमीटर दूर से किया है। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि गोदाम में रखे रूस के 700 ग्लाइड बम भी यूक्रेनी हवाई हमले में तबाह हो चुके हैं। 700 ग्लाइड बम तबाह होने से रूस के लिपियस्क एयरबेस पर इतना जबरदस्त नुकसान हुआ है कि पुतिन की आंखों में खून के आंसू आ गए हैं। रूसी और यूक्रेनी सेना एक दूसरे पर इस वक्त वार और पलटवार करने में जुटे हैं। हम आपको रूस और यूक्रेन के हमलों से जुड़ी कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर जंग में कौन बाजी मार रहा है। ये वीडियो यूक्रेन के हवाई हमले का है, जिसमें यूक्रेनी ड्रोन रूसी सेना और हथियारों पर सीधा आत्मघाती हमला कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जोरदार धमाके और भीषण धमाकों के बाद रूसी सैनिक सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेन की ड्रोन फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि रूसी सैनिक हाथ ऊपर करके यूक्रेनी सैनिकों के सामने सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करने वाले कुछ रूसी सैनिकों को जमीन पर लेटते हुए भी देखा जा सकता है। यूक्रेन के जबरदस्त हमला करने के बाद रूस ने भी यूक्रेन पर भीषण मिसाइल हमला किया। ये वीडियो यूक्रेन का है, जहां रूस के हमले के बाद भारी तबाही मची है। तबाह इमारतें, इमारतों से निकलता धुआं रूस हमले की ताकत को साफ दिखाता है। ये रूसी मिसाइल हमला यूक्रेन डोनेस्क क्षेत्र में यूक्रेनी शहर कोस्टियान टिनिकुआ में एक सुपरमार्केट पर हुआ हमला है, जिसमें कम से कम 14 लोग मारे गए, जबकि कुछ खबरों में दावा किया गया है कि मरने वालों की संख्या 40 से ज्यादा है। Костянтинівці на Донеччині після російського удару просто по супермаркету. Також пошкоджені ще десятки будівель, пошта, магазини, будинки. Стан на цей час відомо про більш ніж 40 постраждалих. Усім надається необхідна допомога. 14 людей, на жаль, загинули. Мої співчуття рідним і близьким. कुसर्ग में कातिल हमला, रूसी सेना की बन गई खबर। रूस के कुसर्ग में रूसी टैंक और बख्तरबंद वाहनों को पिछले 4 दिनों से यूक्रेन के आत्मघाती ड्रोनों ने तबाह करके साबित कर दिया है कि यूक्रेन को एक बार फिर से नेटो से ऐसे घातक हथियार मिल चुके हैं जो अब रूस में 300 किलोमीटर अंदर घुसकर
हमला कर रहे हैं। 6 अगस्त से अब तक यूक्रेनी सेना के हवाई और जमीनी हमलों से कुर्स्क ओब्लास्ट के लगभग 300 किलोमीटर इलाके पर यूक्रेन का कब्जा हो चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है। जरा देखिए यूक्रेन के ड्रोन, तोप के गोले और फाइटर जेट के हवाई हमलों से कैसे रूसी सेना तबाह हो रही है। नौ सौ दिन बाद पुतिन को हरा दिया। अब जरा इस एनिमेशन को देखिए जिसमें समझाने की कोशिश की गई है कि क्यों रूस के कुर्स्क पर यूक्रेनी हमला रूसी सेना की सबसे बड़ी हार मानी जा रही है। खुफिया खबरों के दावों के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने उत्तर पूर्वी यूक्रेन के सुमय से सटे रूस के कुर्स्क ओब्लास्ट इलाके पर जमीनी और हवाई हमले किए हैं। दावा किया गया है कि पहली बार यूक्रेन के फाइटर जेट ने रूस में घुसकर हमला किया है। कुर्स्क ओब्लास्ट के सुदजा कस्बे में रहने वाले 5,000 से ज्यादा रूसी नागरिक इलाका छोड़कर भाग चुके हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिकों ने रूस के कुर्स्क में 30 किलोमीटर इलाके पर कब्जा कर लिया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि इस बार यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद वाहनों ने रूस के कुर्स्क में भारी तबाही मचाई है और कुर्स्क में ये यूक्रेनी सेना का 900 दिन से ज्यादा की जंग में पहला बड़ा और घातक हमला है। В Курской области, как известно, киевский режим предпринял очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям, жилым домам, машинам скорой помощи. यूक्रेन के इस हमले ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को हैरान कर दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने इस हमले को बड़े पैमाने पर उकसाने वाला बताया है। इधर यूक्रेन के अधिकारियों ने रूस के इन दावों पर कोई टिप्पणी नहीं की और न ही इस हमले पर मीडिया को कुछ बताया गया है। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।